सलाम साथियों। 2 दिन पहले का दिन अदबी दुनिया के लिए बहुत बड़े नुकसान का दिन रहा। हमारे समय के सबसे चहेते और मुखर शायरों में से एक राहत इंदौरी साहब हमें छोड़कर चले गए। राहत साहब का जन्म 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और वहाँ से निकलकर उन्होंने देश और दुनिया के लगभग हर मंच पर शेर व शायरी की अपनी फनकाराना सलाहियत और अपने बेबाक अंदाजे बयां से अपने चाहने वालों के बीच प्यार लुटाया भी और बहुत सारा प्यार पाया भी। कविता बोल स्पेशल्स का ये पहला एपिसोड हम अपने इसी महबूब शायर राहत इंदौरी को समर्पित कर रहे हैं। आज शो पर सिर्फ मैं हूँ, आगे और भी लोग जोड़े जाएंगे ताकि हम कविता और शायरी की दुनिया के अपने चहेते सितारों के बारे में और भी बातें कर सकें। हम आज आपको राहत साहब को श्रद्धांजलि के तौर पर उनकी 4 गज़लें सुनाने जा रहे हैं। आइए पहली गज़ल सुनते हैं, जिसका नाम है पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं। कविता बोल के लिए इसे पढ़ रहे हैं मोहम्मद कयामुद्दीन। पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं, पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं, ज़मीं जहां भी खुले घर निकलने लगते हैं, ज़मीं जहां भी खुले घर निकलने लगते हैं। मैं खोलता हूँ सदफ मोतियों के चक्कर में, मैं खोलता हूँ सदफ मोतियों के चक्कर में, मगर यहाँ भी समंदर निकलने लगते हैं, मगर यहाँ भी समंदर निकलने लगते हैं। और हसीन लगते हैं जाड़ों में सुबह के मंजर, हसीन लगते हैं जाड़ों में सुबह के मंजर, सितारे धूप पहनकर निकलने लगते हैं, सितारे धूप पहनकर निकलने लगते हैं। बुरे दिनों से बचाना मुझे मेरे मौला, बुरे दिनों से बचाना मुझे मेरे मौला, करीबी दोस्त भी बचकर निकलने लगते हैं। बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है, बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है, कभी कभी तो मेरे पर निकलने लगते हैं। अगर ख्याल भी आए कि तुझको ख़त लिखूं, अगर ख्याल भी आए कि तुझको ख़त लिखूं, तो घोंसलों से कबूतर निकलने लगते हैं, तो घोंसलों से कबूतर निकलने लगते हैं। बॉलीवुड में भी बतौर गीतकार राहत साहब के लिखे गीत हमेशा हमारी आपकी ज़ुबान पर रहेंगे, जैसे कि फिल्म खुद्दार में तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है से लेकर फिल्म मर्डर में दिल को हज़ार बार रोका तक के गीत राहत साहब की कलम से निकले और हमेशा के लिए हमारे आपके लबों पर रह गए। उनकी एक और गज़ल, मस्जिदों के सहन तक जाना बहुत दुश्वार था, इस बात की बानगी है कि राहत साहब कितने संजीदा और गंभीर शायर थे। आइए सुनते हैं। मस्जिदों के सहन तक जाना बहुत दुश्वार था, मस्जिदों के सहन तक जाना बहुत दुश्वार था, देर से निकला तो मेरे रास्ते में दार था, अपने ही फैलाव के नशे में खोया था दरख्त, अपने ही फैलाव के नशे में खोया था दरख्त, और हर मासूम टहनी पर फलों का भार था, हर मासूम टहनी पर फलों का भार था, देखते ही देखते शहरों की रौनक बन गया, देखते ही देखते शहरों की रौनक बन गया, कल यही चेहरा था जो हर आईने पे भार था, सबके दुख सुख उसके चेहरे पे लिखे पाए गए, सबके सुख दुख उसके चेहरे पे लिखे पाए गए, आदमी क्या था हमारे शहर का अखबार था, और अब मोहल्ले भर के दरवाज़ों पे दस्तक है नसीब, अब मोहल्ले भर के दरवाज़ों पे दस्तक है नसीब, एक ज़माना था कि जब मैं भी बहुत खुददार था, एक ज़माना था कि जब मैं भी बहुत खुददार था, कागज़ों की सब स्याही बारिशों में धुल गई, हमने जो सोचा तेरे बारे में सब बेकार था, हमने जो सोचा तेरे बारे में सब बेकार था। दोस्तों, राहत साहब जितने अच्छे शायर थे उतने ही अच्छे और ज़िंदा दिल शख्सियत भी थे। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आपको इस वक्त तमाम ऐसे किस्से पढ़ने को मिलेंगे जो इस बात की ओर इशारा करेंगे। YouTube पर भी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जहां बड़े से बड़े शायर आपको राहत साहब की तरफदारी करते मिलेंगे। हमारी अगली पेशकश उनकी एक और बेहतरीन गज़ल है, जिसका उन्वान है
दोस्ती जब किसी से की जाए। इस गज़ल को भी हमारे लिए पढ़ रहे हैं कयामुद्दीन भाई, आइए सुनते हैं। दोस्ती जब किसी से की जाए, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। मौत का जहर है फिजाओं में, मौत का जहर है फिजाओं में, अब कहाँ जाके सांस ली जाए, अब कहाँ जाके सांस ली जाए। बस इसी सोच में हूँ डूबा हुआ, बस इसी सोच में हूँ डूबा हुआ, ये नदी कैसे पार की जाए, ये नदी कैसे पार की जाए। मेरे माजी के ज़ख्म भरने लगे, मेरे माजी के बोतलें खोल के तो पी बरसों, बोतलें खोल के तो पी बरसों, आज दिल खोल के भी पी जाए, आज दिल खोल के भी पी जाए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, राहत साहब अपनी बेबाकी भरे लहजे के लिए भी उतने ही मशहूर रहे जितना अपने खुश मिजाजी और संजीदगी के लिए। उनकी गज़ल के बोल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, आज के समय में भारत के लगभग हर उस युवा को पता है जिसकी अदब में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है। उनकी एक और रचना सुनते हैं जो ये दर्शाती है कि उन्होंने कितने सच्चे और सीधे सादे लहजे में अपनी बातें दुनिया के सामने रखी। ये सानेहा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज़ मरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज़ मरने वाला था। तेरे सलूक तेरी आगही की उम्र दराज, मेरे अजीज़ मेरा ज़ख्म भरने वाला था, मेरे अजीज़ मेरा ज़ख्म भरने वाला था। और बुलंदियों का नशा टूट कर बिखरने लगा, बुलंदियों का नशा टूट कर बिखरने लगा, मेरा जहाज़ ज़मीं पर उतरने वाला था। और मेरा नसीब मेरे हाथ काट गए वरना, मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। मेरे चिराग मेरी शब मेरी मुंडेरे हैं, मैं कब शरीर हवाओं से डरने वाला था, मैं कब शरीर हवाओं से डरने वाला था। उनका यूं अचानक चले जाना बेहद दुखदाई है, उनके हर चाहने वाले के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, मगर जैसा कि कहते हैं, दुनिया का कोई भी कलाकार कभी नहीं मरता, वो अपनी रचनाओं में हमेशा जिंदा होता है। हम अपने इस प्यारे फनकार को पढ़ते रहें और उन्हें जहन में हमेशा जिंदा रखें। लाखों लोगों के दिलों में धड़कने वाले राहत इंदौरी साहब के लिए हम सब की ओर से यही सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप आने वाले समय में अपने किस महबूब शायर या कवि के बारे में जानना और सुनना पसंद करेंगे। एक और आखिरी बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, शुक्रिया।